जिवें जिवें देश विच हालात सामान्य होंदे जा रहे हन, उंज ही दूजे मुल्कां दे फसे लोग अपने अपने दोस्तां रिश्तेदारां लई निकल रहे हन। इस अफरा तफरी विच अज अटारी बाघा रास्ते 180 दे करीब पाकिस्तानी अपने वतन परत गए। कोविड-19 दे चलदे भारत दे वखो वखरे प्रदेशां विचों पिछले 2 महीने तो फसे पाक नागरिक अटारी सीमा दे रास्ते अपने वतन परते। इस तो पहला भी बागे रास्ते 3 बार भारत विच फसे पाकिस्तानी नागरिक पाकिस्तान वापस परत चुके हैं। यह पाक नागरिक मंगलवार की सवेर ही अटारी सीमा उत्ते पहुँचे। यह सारे लोग लॉकडाउन तो पहला भारत विच रहे अपने रिश्तेदारां नूं मिलन अते कुछ धार्मिक स्थानां दे दर्शन करन आए सन अते कुछ मैडिकल एमरजेंसी वीजा उत्ते भारत विच आए हुए सन। लॉकडाउन दे चलदियां यह सारे इत्थे पिछले 2 महीनों तो फसे हुए सन। पाकिस्तान गृह मंत्रालय की अपील उत्ते भारत सरकार ने इन्हां नूं अटारी सीमा दे रास्ते पाक जाण की आग्या दे दित्ती सी। DC शिवदुलार सिंह ढिल्लों वल्लों दस्सिया गया कि जिला प्रशासन की अटारी वाघा सीमा दे रास्ते अज 180 दे करीब लोग अपने वतन पाकिस्तान परत गए हैं। वाघा सीमा उत्ते पुज्जन तो पहला इन्हां सारे लोगों लई प्रशासन वल्लों लंगर की व्यवस्था कर दी गई सी ताकि जाण तो पहला इन्हां नूं किसी प्रकार की कोई मुश्किल ना होवे। उत्थे ही कुछ लोग हवाई रास्ते भी पाकिस्तान लई रवाना होए। उत्थे ही दोनों सरकारां दा धन्नवाद भी पाकिस्तान दे नागरिकां वल्लों कीता गया। उन्होंने कहा कि वह भारत अते पाकिस्तान दा धन्नवाद करना चाहते हैं जिन्होंने उन्हां दा इस वक्त साथ दिता अते पाकिस्तान सरकार दा भी धन्नवाद करना चाहते हाँ जिन्होंने सानू वीजे दे के वापस बुलाया। असीं लोग अपने घर जा रहे हाँ अते सानू बेहद खुशी है। क्या नाम है जी आपका और कहाँ से हैं जी? सर नरेश कुमार नाम है, इंदौर से अभी आए हैं। 15 दिन पहले लॉकडाउन के हिसाब से इधर फंसे हुए थे। 15 दिन पहले BC में अप्लाई किया तो उन लोगों ने अभी रिस्पॉन्स अच्छा दिया, बोल रहे थे कि आपकी एप्लीकेशन पे जो है ना गौर करेंगे। अभी 5-6 दिन पहले उन लोगों ने बोला कि 27 तारीख को आज ना आप वाघा बॉर्डर पहुँचे, तो अभी पहुँच गए हैं। MBC वालों का भी शुक्रिया, गवर्नमेंट का भी शुक्रिया। तो भारत में आपको कोई दिक्कत आई सर? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं थी। बस लॉकडाउन के हिसाब से सारे मुल्क को परेशानी है, इसी हिसाब से 1 माह की वीज़ा थी, अभी तकरीबन 3 माह हो गए हैं। बस अभी सुजदा आज मक से शुरू हुई है तो ऐसे ऐसे गवर्नमेंट की मेहरबानी है। तो आप जहाँ घूमने आए थे क्या वहाँ पहुँच पाए कि नहीं पहुँच पाए? नहीं नहीं पहुँच पाए, अपने घर पे थे। 10-12 दिन उधर थे, फिर लॉकडाउन हो गया, सारा शेड्यूल उसे वैसे ही बन गया, वहाँ भी उधर फंसे हुए थे घर में। तो पाकिस्तान में भी कुछ भारतीय फंसे उनके लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे सर? बस पाकिस्तान की गवर्नमेंट से भी यही अपील है कि उन लोगों को भी अपने मुल्क रवाना कर दें, जैसे हम अभी आ रहे हैं पाकिस्तान, वो भी अभी आ जाए भारत। बस उस गवर्नमेंट की भी मेहरबानी, इस गवर्नमेंट की भी मेहरबानी, आपस में जो रिलेशनशिप जो है ना बरकरार ही रहें। सर आपका पूरा नाम और पाकिस्तान से कहाँ से हैं? सर जकमा वासी हूँ, नरेश कुमार बिरजलाल नाम है। आपके साथ कितने और फैमिली मेम्बर हैं जी आपके साथ? सर अभी तकरीबन 50-60 बंदे हैं। ये सारी गाड़ियाँ अभी है, 17-18 गाड़ियाँ हैं, किसकी इनोवा है, किसी की टूडी वगैरह है, हर एक अपनी जिससे जिन लोगों की सुविधा है वो अभी आए हुए हैं। वो सारे अभी वाघा बॉर्डर पे अभी खुल गया है, अभी ऐसे ऐसे गाड़ियाँ निकल रही हैं, अभी बाय बाय, अभी हम ही जा रहे हैं। सर क्या नाम है आपका, कहाँ से रहने वाले हैं और आप भारत में कब पहुँचे? जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, मेरा नाम सैयद सरवर हुसैन है और मैं कराची का रहने वाला हूँ। और मेरा इंडिया मेरा ससुराल है जो रायबरेली भी है और कौशंबी भी है। यहाँ मैं 21 फरवरी को, मैं 19 फरवरी बॉर्डर किया कि 21 फरवरी को मैंने आमद करवाई थी कौशंबी में और 31 मार्च को हमें जाना था। मेरा 3 अप्रैल तक का वीज़ा था, 45 डेज़ का वीज़ा, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से हमें अपना वीज़ा एक्सटेंड कराना पड़ा, जिसमें से LIU ऑफिस और आपका पुलिस डिपार्टमेंट इंडिया का, इंडिया के LIU ऑफिसरों ने बड़ा कोऑपरेट किया हमारे साथ कि किसी किस्म की LIU ऑफिस की तरफ से, किसी किस्म की पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से हमें कोई दुश्वारी नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर लॉकडाउन के दौरान आप कहाँ पर रुके रहे और किस तरह की कोई लॉकडाउन खाने पीने को लेकर या किसी और तरह की कोई दिक्कत परेशानी आपको? जी जी, हम लॉकडाउन में हम रायबरेली में थे, डिस्ट्रिक्ट रायबरेली में थे, मेरा ससुराल है रायबरेली
और बस वो खाने पीने की दुश्वारी दो चार दफ़ा ऐसे हुई थी कि दुकान शॉप क्लोज थी, जिसके कुछ अशिया नहीं मिल पाई थी हमें, तो उसके बाद फिर ससुराल ने इधर आगे पीछे करके कर लिया बस। आज वापस आप अपने परिवार अपने वतन में सुरक्षित वापस लौट रहे हो, इस बात की कितनी सर? इस बात की हमें बहुत खुशी है, और इसीलिए बार बार मैं कह रहा हूँ अपने हाई कमिश्नर पाकिस्तान एम्बेसी और इंडिया के जितने भी हाई कमान दिल्ली के अंदर बैठे हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, अपने LI ऑफिस पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रगुजार हूँ कि हमें बर वक्त भेज रहे हैं, हमारे बच्चे, हमारे दो बच्चे, तीन बच्चे हमारे पाकिस्तान में हैं, और जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान है, भाई बहन हमारे डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं, और जाहिर है उस वजह से काफ़ी परेशान हैं। अपने सुरक्षित अपने घर में पहुँच रहे हैं। जी जी, मैं क्या कहना चाहिए सर, मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बाखैरियत बाहिफाजत हमें इंडिया गवर्नमेंट भेज रही है, मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी सर, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद इलियास है, कराची का रहायशी हूँ मैं। अच्छा सर, आप भारत कब आए थे जी? मैं भारत आया था 26 फरवरी को। तो इस दौरान आप भारत में फंसे हुए थे, क्या आपको मुश्किलें आई जी? कोई मुश्किल? मेरे को मुश्किलें, मेरे को सात मार्च को जाना था, लेकिन मैं लॉकडाउन की वजह से मैं फिर घर से बाहर नहीं निकल सका। भारत का जो कानून है उसका पालन किया मैंने, घर वालों ने मुझे निकलने नहीं दिया। 1.5 महीने तक मैं बहुत परेशान रहा, घर के अंदर कैद रहा, जैसे जेल खाने में, और घर में बच्चों की मुझे बहुत याद आई। फिर हमने जो है वो रब्ता किया पाकिस्तान हाई कमीशन से, उन्होंने भारत सरकार को अपील की, भारत सरकार का हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी दरख्वास्त पर गौर किया, और आज हम पाकिस्तान जा रहे हैं अपने देश और अपने बच्चियों से मिलेंगे। ये एक ऐसा वाकया जो पहली बार हुआ है पूरे दुनिया में, तो आप फंसे हुए, आपको कितनी दिक्कत आई, क्या परेशानी आई वैसे? तो दूसरी बात यह, आपके साथ कितने लोग यहाँ पर आए हैं? हमारे साथ तकरीबन 182 लोग हैं सारे ही, और ये सारे जो यही लॉकडाउन में फंसे हुए थे, दो तीन तीन महीने सब तकरीबन हो गए सबको यहाँ पर। और परेशानी में ये आई कि हमारे जो रिश्तेदार हैं वो हमें बेचारे सही तरीके से हमारी मेहमान नवाजी नहीं कर सके, क्योंकि कोई सामान नहीं मिलता था, दुकानें बंद थी, खाने पीने की बड़ी तकलीफ थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारा अच्छी तरह से साथ दिया और हमें वक्त पे खाना खिलाया, जैसा भी खिलाया उन्होंने। तो आज आप अपने वतन वापस जा रहे हो, क्या कहना चाहते हैं जी? हम अपने वतन जा रहे हैं, हम भारत सरकार का शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी दरख्वास्त को सुना और आज हमारे वतन जा रहे हैं, और हम बहुत खुश हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों मिलकर रहे खुश, यहाँ की पब्लिक और वहाँ की पब्लिक खुशहाल हो जाएगी, ये लड़ाई झगड़े से कोई फ़ायदा नहीं है। पब्लिक जो है पाकिस्तान की भी और हिंदुस्तान की नहीं चाहती है कि ये झगड़ा हो, लड़ाई हो, यहाँ की और हिंदुस्तान की, हमारी पब्लिक, हमारे लोग, हम चाहते हैं कि हम मिल कर रहें और यहाँ पर शांति हो जाए, आपके यहाँ भी, हमारे पाकिस्तान में भी। आप कब आए?